कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफिरों को खातिर खा रिलीफ नहीं मिल पा रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किराए कम करने का दावा किया है, लेकिन मुसाफिरों ने किराए में कमी के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद तैमूर से। मोहम्मद तैमूर, बताएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल सर, मैं बदामी बाग लाली अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गहमा गहमी जो मुसाफिरों की है वो इंतहाई कम दिखाई दे रही है। जो डीजल की कीमतें कम हुई थी कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर था उनकी जानिब से मामूली कमी जो है वो किरायों में की गई है। एक ट्रांसपोर्टर मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। जी मुझे बताइएगा कितने पैसे कम किए गए हैं और कहाँ का आपका अड्डा है, कहाँ किस शहर को जा रही है? हमारा न्याजी अड्डे में भी अड्डा है और ये मेन चीज़ न्यू खान, न्यू खान का भी हमारा अड्डा है। पहले जब डीजल महंगा हुआ था तो 1680 रुपये चार्जेस किए गए थे फ्री सवारी मुल्तान का, लेकिन अब जब डीजल कम हुआ है तो हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट मिली है ना, वो मिली है 1500 रुपये की। भाई मुल्तान का 1500 रुपये का किराया होगा और जो अलीपुर जतोई है उसका 1700 रुपये किराया चल रहा है। जी मुझे आप बताइएगा कहाँ पर जा रहे हैं, पहले कितना किराया देते थे, आप कितना दे रहे हैं? पहले भी गया हूँ एक माह पहले, उस वक्त मैं 1400 रुपया दे के गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ 1500 रुपया दे के। ठीक है, पहले आप जीटी रोड से गए थे, मोटरवे इसी टाइम पे गया था। जी जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुन लिया। ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमने किरायों में मामूली कमी की है, मगर मुसाफिर कह रहे हैं कि किराए पहले से बढ़ गए हैं। जी।